नमस्ते। अगर आपने भी वीडियो को ओपन कर लिया है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हम कई सालों से वीडियो बनाते आ रहे हैं और आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं और प्यार देते हैं। इसी बीच मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो है कुछ मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको पैसे वगैरह वगैरह हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है पैसे देते हैं या फिर किसी प्रकार का कुछ गिफ्ट वगैरह वगैरह देते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा चीज़ देने जा रहा हूँ जिससे जो है आप आगे चल के कमाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि कोई अगर आपको पैसे या फिर किसी प्रकार का मतलब कुछ भी देता है तो मतलब एक समय के लिए होता है, लेकिन अगर आपके अंदर एक स्किल डाल दिया जाए तो उससे जो है आप आगे चल के कमाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास शिक्षा होगा, स्किल होगा, तो आप कहीं ना कहीं कमा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम म्यूचुअल फंड का एक कोर्स आपको देने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब आपको मिलेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन मेरे माध्यम से आप लेंगे, मतलब कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप जो वेबसाइट के बारे में हम बताने जा रहे हैं वहाँ से जाकर आप लेते, मेरे थ्रू नहीं लेते, तो आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता। तो 999 रुपये का जो कोर्स है आपको हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये जो है म्यूचुअल फंड का कोर्स है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है म्यूचुअल फंड का कितना यहाँ पे प्रचलन है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, उसके बारे में कोर्स करने के लिए बोल रहा हूँ कि एक कोर्स कर लीजिए ऑनलाइन। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से अगर आपके अंदर स्किल आ जाएगा तो उस स्किल से जो है आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो वहां से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ किसी को कंसल्ट करते हैं तो उसका भी आप चार्ज ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। या फिर एक ऑफिस खोल लेंगे म्यूचुअल फंड से कंसल्टेंट के रिगार्डिंग, तो वहां भी लोग आएंगे, आपसे जानकारी लेंगे, तो वहां भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, तो इसको जरूर आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है elearnmarkets.com का, उस पर क्लिक करके आपको जो है इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं आता है, तो इस तरह से हमारा वीडियो आप प्ले करेंगे तो नीचे ही आप देख सकते हैं कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके इस जो है वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि ये जो है म्यूचुअल फंड का मतलब एक कोर्स है जो कि कम्प्लीटली आपको फ्री मिलने वाला है। इसके लिए किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना होगा, हालांकि इसका चार्ज देख सकते हैं कि 999 रुपया होगा, लेकिन मेरे थ्रू आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और अभी जो है 2022 में ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब चलने वाला म्यूचुअल फंड कोर्स है, जिसमें अगर आप कर लेते हैं तो अच्छे खासे इससे कमाई भी आप कर सकते हैं, लोगों को गाइड करके, या फिर आप अपने थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जानकारी रहेगा तो इन्वेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इनरोल नाउ के बटन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्स का जो बेसिक डिटेल्स है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो है फाइनेंशियल मार्केट्स का कोर्स है और इसका जो वैलिडिटी होता है 3 सालों के लिए होता है, लैंग्वेज हिंदी में रहेगा, और इसका जो प्रोग्राम है वो जो है सेल्फ प्लेसेड रिकॉर्डेड रहेगा। इंस्ट्रक्टर है वो देख सकते हैं कि क्रेडेंट एकेडमी है, इसके माध्यम से ही आपको सिखाया जाएगा। नीचे आएंगे देख सकते हैं कि इसमें जो है 26 तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे, 2 घंटा से ज़्यादा की कंटेंट होगा, और एक जो है सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। टॉपिक कौन कौन सा कवर किया गया है, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश के फायदे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होते हैं, ये सारे चीज़ जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या है, आउटलाइन क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है एग्जाम किस तरह से होने वाला है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, बताया गया है कि छात्रों को वेबसाइट द्वारा होस्ट किए गए सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा, जो टेस्ट सेक्शन सर्टिफिकेट टेस्ट के अंतर्गत मिलेगा। यदि छात्र सर्टिफिकेशन टेस्ट में सफल नहीं होता है तो 8 घंटे के अंतराल के बाद फिर से टेस्ट दे सकता है। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर 8 घंटे के बाद जो है आप यहाँ पर टेस्ट देकर क्वालिफाई हो सकते हैं। किसी प्रकार के सहायता के लिए आप मेल या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परीक्षा का जो अवधि होगा 1.5 घंटा का होगा, और प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो जो है बहुकल्पीय होगा, यानी कि जो मल्टीप्लस च्वाइस होता है वो आपका क्वेश्चन होगा,
होगा और 2 अंकों के जो है प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे होंगे। इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और आपका जो योग्यता होगा पास करने का वो जो है 60% होगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो आपको हम बताते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनरोल नाउ का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आप फेसबुक, जीमेल या फिर एप्पल आईडी है तो उससे भी कर सकते हैं। चलिए जनरली हम यहाँ पे जीमेल से ही कर लेते हैं। तो जीमेल के बटन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी जीमेल होगा ना उससे आपको वैलिडेट करना होगा, यानी कि जीमेल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, तो सिंपल सा अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर इस तरह से आपको टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका OTP नहीं जाता है तो रीसेंड OTP के बटन पर क्लिक करके दोबारा जो है OTP आप यहाँ पर सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको OTP यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, और वेरीफाई मोबाइल के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से आपको जो है इनरोल नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपके मेल आईडी में जो भी नाम होगा ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्री अपना सेलेक्ट करना है कि आप जो है कौन सा कंट्री से आते हैं। इस तरह से आप नीचे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा कंट्री से आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप जो है कौन सा स्टेट से आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे पिन कोड आपको इस तरह से टाइप करना होगा और अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से जो है आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको जो है 999 रुपये का पेमेंट करना होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि मेरा आप यहाँ पे अगर आप कोड इस्तेमाल करिएगा, जैसे कि आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, तो कोड यहाँ पे आपको टाइप करना है कैपिटल में उमेश 100, ठीक है। और अप्लाई के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि टोटली जो है फ्री हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 999 रुपये यहाँ पे सेव हमने कर दिया, क्योंकि हमारा आप कोड यहाँ पे यूज करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है स्टार्ट लर्निंग का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में इस कोर्स को अपने परचेज कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आपको गो टू माई अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अपना प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई कोर्सेज का बटन है, माई वेबिनार का बटन है, माई सर्टिफिकेट का बटन है, और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कोर्स का आपको कंप्लीट करना होगा। तो म्यूचुअल फंड अब हुआ आसान, एक कोर्स है, इस पर आप क्लिक करके, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह से वीडियो जाते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से आपको समझाते हैं कि मतलब जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का हम कोर्स आपको दिए हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो है व्यक्ति अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आपको हम एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड के बारे में सारे जानकारी बताएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन दिया गया है। सेक्शन 1 में जो है 3 तरह का वीडियो है, जैसे देख सकते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वीडियो है। तो तीनों वीडियो को जो है आपको देखना होगा, मतलब सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में देखेंगे कि यहाँ पे जो है 4 वीडियो है, सेक्शन 3 में 1 वीडियो है, सेक्शन 4 में भी 1 वीडियो है, सेक्शन 5 में 8 वीडियो है, और सेक्शन 6 में 1, सेक्शन 7 में 1, सेक्शन 8 में 6, और सेक्शन 9 में 1, और लास्ट में जो सेक्शन 3 है उसमें जो है सर्टिफिकेशन आपको टेस्ट देना होगा, और यहीं से जो है सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो एक बार जो है वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए फालतू में आप चाहें तो यहाँ पे झट से वीडियो को स्किप करके भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। फिर भी आप कहेंगे कि नहीं, इस वीडियो को हमें स्किप करना है, नहीं देखना है, सर्टिफिकेट को लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कोई भी सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन उससे पहले जो है जानकारी उसका जरूर रखिए, क्योंकि जानकारी ही आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसे आप फालतू का सर्टिफिकेट ले कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जानकारी अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे वीडियो प्ले किए हुए हैं, दूसरा वीडियो यहाँ से हम ये भी वीडियो देख लिए हुए हैं, तीसरा वीडियो हम यहाँ पे नहीं देखे हुए हैं, तो इसे हमें देखना होगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं, हम वीडियो को स्किप कर देना चाहते हैं, हम वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एक बटन मिल रहा है मार्क एज कंप्लीट, इस पर आप जैसे ही टिक कर देंगे इस तरह से, तो मतलब ये वेबसाइट ये समझेगा कि आपने जो है वीडियो को देख लिया है। तो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, ये वीडियो जो है स्किप हो जाएगा, देख सकते हैं कि इस तरह से मार्क हो जाएगा।
और उसके बाद इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मार्क किया और नेक्स्ट वाला जो है सेक्शन यहाँ पे खुल गया, यानी कि सेक्शन टू खुल गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेक्शन टू का वीडियो यहाँ पे आएगा, जिसमें चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री इस तरह से दिया गया है। हेलो दोस्तों, तो ये जो है सभी आपको कंप्लीट करना होगा। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद चलिए हम फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है टोटल वीडियो को यहाँ पे वॉच कर लिया है। इस तरह से देख सकते हैं कि सेक्शन 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे सेक्शन जो 10 दिया गया है, इसमें जो है आपको चैप्टर 1 में सर्टिफिकेशन टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 10 दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 में सर्टिफिकेशन टेस्ट का एक बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्टिफिकेशन टेस्ट का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सकते हैं कि बताया गया है कि आपका जो पासिंग मार्क्स है वो जो है 60% है, और अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हैं तो 8 घंटे के बाद फिर से जो है टेस्ट देकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट का जो बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है देख सकते हैं कि ये जो है 50 मिनट का टाइम रहेगा, और आपको चिंता नहीं करना है, 50 मिनट से पहले ही आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और टोटल जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में पूछे जा रहे हैं, और इसका जो है 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है जो आपको सही लगता है। अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा तो आपको जो है पकड़ इस पे होगा, ठीक है। तो आपको जो भी सही लग रहा है उस पे क्लिक, जैसे टिक कर देंगे इस तरह से। टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, जैसे कि आपको 30 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से आपने एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आपके सामने जो है और भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप देखेंगे, आपको जो भी अच्छा लगेगा, मतलब जो भी सही लग रहा है उस पर टिक करेंगे, और आपको जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आपसे जो है पूछा जा रहा है कि ये जो है सर्टिफिकेशन टेस्ट है, इसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तो 8 घंटे के बाद जो है फिर से यहाँ पे पढ़ के आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जैसे ही आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि आपको माई सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करके आप जो है अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अभी तक यहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है, बट आपके बताने के पर्पस से मैंने यहाँ पे आपको मतलब बताया है। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करके, जैसे कि सैंपल यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से जो है आपका सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। और इस सर्टिफिकेट को आपको आप डाउनलोड करके फ्रेम करवा कर, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड का ऑफिस खोलना चाहते हैं तो ऑफिस खोलकर वहाँ पे लगाकर लोगों को गाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर खुद का आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से वीडियोज को वॉच करना है, उसके बाद लास्ट में जो है आपको एक एग्जाम का टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके फ्रेम करवाकर आप अपने ऑफिस में या फिर जहां भी आप काम करना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं और अपना जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आकर उसकी रिगार्डिंग अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो लोगों को बता के आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। तो कई सारे अपॉर्चुनिटी है, इस कोर्स को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद प्लीज़ इसके रिगार्डिंग देखिए, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि आप वीडियो को नहीं देखना चाहते स्किप करके जा सकते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा सा समय देना है, एक दिन दो दिन आपको जितना भी समय मिल रहा है उस समय में आपको वीडियो को वॉच करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है। उसके बाद इसके रिगार्डिंग आप एग्जाम देंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। इनकेस क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर 8 घंटे के बाद जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और अपना जो है जो भी मतलब तरीका से आप काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे करना चाहते हैं, ऑफिस खोलकर करना चाहते हैं, लोगों को सलाह देना चाहते हैं तो इसकी रिगार्डिंग कर सकते हैं। या फिर आपके पास पैसे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, क्या होता है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके माध्यम से आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।